जापान के लोगों की गिनती सबसे हेल्दी और फिट लोगों में की जाती है। इसके पीछे और कोई सीक्रेट नहीं है बल्कि उनकी अच्छी डाइट और फूड हैबिट्स है। एक रिसर्च के अनुसार अमेरिका के करीबन 35% के मुकाबले जापान में ओबेसिटी रेट सिर्फ 3% है। इसका मतलब ये है कि जापान के बहुत कम लोग मोटापा के शिकार है। तो आज हम आपको जापानियों का हेल्दी और फिट रहने का राज बताएंगे, जिसे फॉलो करके आप भी हेल्दी और फिट बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जापानियों के फिट रहने का राज। जापानी डाइटिंग रूल नंबर 1 ये है कि जापानी लोग भूख से कम खाना खाते हैं। जिस तरह से हम इंडियंस हमें जितनी भूख लगे उससे हमेशा ज्यादा ही खा के उठते हैं, वैसे ही जापानी लोग जितनी भूख हो उससे हमेशा कम खाना खा के उठते हैं। ऐसा करने से वो लोग खाना इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं और उनके शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरीज भी नहीं जाती है। जापानी लोग अपने खाने में ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं और अपने डाइट में सूप और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। जापानी लोग बहुत ही कम तेल का यूज करते हैं और खाने को धीमी आंच पे पकाते हैं। इससे उनके खाने में फैट की मात्रा कम रहती है और खाने के जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी बरकरार रहते हैं। जापान में डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज भी बहुत कम होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स के बजाय वो लोग अपने खाने में फिश और हरी सब्जियों का यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होती है। जिस तरह से भारत में लोग सुबह नाश्ते के साथ चाय या कॉफी पीते हैं, पर जापान में नाश्ते के साथ या नाश्ते के बाद वो लोग चाय या कॉफी नहीं पीते हैं। इनफैक्ट काम करते टाइम भी वो लोग इन सब चीजों से दूर ही रहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं खाने की। वो लोग एक साथ बैठ के अपना पेट भर के खाना कभी भी नहीं खाते हैं। जापानी लोग खाने को तोड़ तोड़ के कई सारे हिस्सों में खाते हैं। ऐसा करने से भूख भी शांत रहती है और शरीर का मेटाबॉलिज्म भी परफेक्ट रहता है। खाना खाते टाइम जापान के कुछ रूल्स हैं जो सभी घरों में फॉलो किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो रूल्स। खाने की प्लेट को पूरी तरह न भरें और किसी भी खाने वाले आइटम का एक बड़ा हिस्सा न लें। अपनी भूख से सिर्फ 80% ही खाना खाएं और प्रोसेस फूड की जगह पर हमेशा ताज़ा खाना खाएं। जापान में दोनों पुरुष और महिलाएं अधिक से अधिक वॉक करते हैं। जापान की जनसंख्या अधिकतर शहरों की तरफ रहती है, तो लोगों को कहीं पे भी जाने के लिए वॉकिंग और साइकिल की जरूरत पड़ती है। वॉकिंग के साथ साथ जापानी लोग साइकिल का भी यूज ज्यादा करते हैं। खाने के बाद मीठा खाना जापानी भोजन का हिस्सा नहीं है। जापानी लोग खाने के बाद मीठा खाने के बजाय ताज़ा फल खाना प्रेफर करते हैं। हेल्दी और फिट रहने के लिए जापान में बहुत सारे टाइप के मार्शल आर्ट्स होते हैं, जिनमें से बहुत सारी एक्सरसाइजेस दोनों महिला और पुरुष करते हैं। इन एक्सरसाइजेस के वजह से वहाँ के लोगों की कैलोरीज बहुत जल्दी कम हो जाती है। जापान के लोगों को मोटापा से बचाने के लिए वहाँ की सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं। तो चलिए देखते हैं। जापान के सरकार ने वहाँ पर दो इम्पोर्टेंट रूल्स बनाए हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में बदलाव भी दिखाई दिया है। इसमें से पहला कानून बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसमें बच्चों को शुरू से ही खाने से जुड़ी अच्छी आदतों के बारे में बताया जाता है, जिसकी वजह से अच्छा खाना उनकी रूटीन हैबिट बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जापान में स्कूल से ही अच्छा खाना खिला के वो लोग बचपन में ही बच्चों को अच्छे खाने की आदत दिला देते हैं। दूसरे कानून का नाम है मेटाबॉलिज्म कानून। इस कानून के मुताबिक 40-45 उम्र के बीच के लोगों को हर साल अपनी कमर का नाप लेना होता है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ तक कि काफी सारी जापानी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के लिए एक ऐसा दिन डिसाइड करती है जिस दिन सारे स्टाफ को अपने कमर का नाप देना होता है।
तो फ्रेंड्स, अब तो आप जान ही गए होंगे कि जापान के लोग इतने फिट क्यों रहते हैं। अगर आपके पास भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करें। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।